हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पोएम फर्स्ट क्लास 10th। द नेम ऑफ द पोएम इज करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। इस वीडियो में मैं दो पार्ट्स के वंडिया वा। फर्स्ट पार्ट जिहड़ा कि तुसीं हुण देखोगे, ये असी सिर्फ क्वेश्चन आंसर की गल की है। सैकेंड पार्ट की वीडियो के असी ये स्टेंजेज की गल करांगे, वो तुहानूं सैकेंड पार्ट के मिल जाएगी। तुसीं ये फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर ने तुसी नोटबुक के उत्ते नोट डाउन करना वा। गल करिए पोइम की, पोइम के विच गल की जा रही है खुशनुमा या एक हसमुख करैक्टर या चरित्र असी किवें पा सकते हाँ। कहिंदा अ मैन इज़ अ लकी इफ ही इज़ नॉट टू बी अ सर्व अनदर विल्स। कहिंदे भी वह बंदा अपने आप दे विच एक लकी इंसान आ जिहड़ा कि किसी दूसरे के इशारों के उत्ते जां किसी दूजे दी इच्छावां उत्ते नहीं चलता हैगा। ही इज़ हैप्पीली एंड टॉट इफ ही लीड्स टू फ्री लाइफ इन हिज ऑन। कहिंदे वह बंदा अपनी खुशहाली नूं जां होर किसी नूं भी अगे तां ही वधिया ढंग दे नाल अपनी लाइफ नूं जी सकदा वा जेकर वह सिर्फ अपने आप दे नाल ही चले ते अपनी मर्जियां दे उत्ते चले। इस पिक्चर दे विच दिखाया गया भी किस तरीके नाल जिहड़ा वा एक परसन एक फोर्सफुली दूसरे बंदे तों कम करा रहे ने, तां इह इक हैप्पी करैक्टर परसन दा लाइफ का करैक्टर नहीं हैगा। जेकर तुसी एक चंगे इंसान बनना चाहते हो तो अपने जिहड़ा काम कर रहे हो उस काम नूं इंजॉय करीदा हुंदा वा। इस पिक्चर दे विच दिखाया जा रहा भी एक परसन जिहड़ा अपने काम तो खुश नहीं, दूजा परसन आ जिहड़ा उही काम बड़े खुशी दे नाल कर रहा वा। वह बंदा हमेशा अपनी लाइफ के विच वधिया ढंग दे नाल काम कर सकदा वा जिहड़ा अपनी लाइफ के विच हो रहे कामों नूं इच्छावां नाल ते खुश होकर करे। कदे भी सानू अपने काम तो भजना नहीं चाहिए, काम तो असी आप ही करना वा तो क्यों ना उन्हें खुश होकर किया जाए। जेकर असी उन्हें खुश होकर करते हैं तो वो पॉजिटिविटी निकल के आती है तो सानू कई नवी नवी चीज़ा होर भी सीखने मिल जाए ने। तो ही कहा जाता भी किसी भी परसन के स्लेव बन के जो गुलाम बन के काम नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा के अनुसार जेकर असी खुशी खुशी कोई काम करते हाँ तो वह साड़ी खुशहाली जीवन को अगे बढ़ाता है। अ लक्की एंड हैप्पी परसन इज़ वन। कहते एक जड़ा लक्की बंदा तो खुशनुमा बंदा सारे एक ही होंगे आ, उन्होंने कदे भी इस चीज़ की जरूरत नहीं होंगी भी वह पैसे कमा रहा कि नहीं कमा रहा, वो को किसी का वह अपना नाम है कि नहीं है। वो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए आ गुड ओपीनियन टू अदरस, दूसरों समझण की जो उसू समझाने की एक चंगा नज़रिया होना चाहिए वा। वो अपने जोड़े वो आप इच्छावं होंगे ने वह गुलाम ना रहे, वो सिर्फ अपनी खुशी दे लई जीवे। जिवें आह पिक्चर दे विच दिखाया जा रहा है जिहड़ा परसन आ उह सिर्फ भावें उहदे कोल आपदा कोई नाम नहीं, वह गरीब है, पर फिर भी वह अपनी एक लाइफ नूं वधिया लीड कर रहा है क्योंकि वह जिहड़ी भी चीज़ उहनूं जिन्नी मिल रही आ उस चीज़ दे विच वह गुजारा करके उस चीज़ दे नाल खुश हो रहा है। तो सानूं भी अपनियां जिहड़ियां मिल रही चीज़ां होंदियां ने कदे भी अपनी पहुँच तों उपर नहीं सोचना चाहीदा वा। जिथे तक असीं हैगे हाँ तो रब ने जिहड़ी भी चीज़ सानूं दित्ती है सानूं उस विच विश्वास रख के उहनूं खुशी खुशी मनना चाहीदा है, कि पता सानूं किहड़ियां खुशियां उहदे विचों मिल जाणियां ने। जिहड़ा फ्रेम वाला परसन हुंदा है वह ग्रोथ करदा, उहदे कोल पैसे आउंदे आ, उहदे कोल प्रोस्पैरिटी हुंदी आ, पावर आ जाती है, उहदा नाम बन जाता, पर फिर भी वह अपने आप नूं खुश नहीं रख सकदा। क्यों नहीं रख सकदा? क्योंकि जिहड़ियां छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां उहनूं खुशी दिंदियां सी उह चीज़ां उहनूं पिछे छड़ चुक्या तो वह पैसों वल ज़्यादा भज रहा। सानू अपने पैसों वाल ना भजते हुए अपनी अंदरली खुशी को पछानना चाहिए है। कदे भी किसी के उत्ते जुल्म नहीं करना चाहिए, अपने आप को खुश रखो, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो, दूसरों की हेल्प करो। अ ट्रू हैप्पी परसन इज़ अ वन हू डज नॉट टू बी अ फील जैलस ऑफ अदर। कहना वो बंदा एक खुशनुमा परसन आ जिहड़ा कि दूसरों के नाल कोई भी चीज़ वापर रही है वो नाल की आ जैलस ना हो। जेकर कोई परसन अमीर हो जाता तो जो दूसरा परसन हुंदा वो तो जैलिस ना करे भी वह किवें होया, उन्हें जिहड़ी भी चीज़ मिल रही है उस चीज़ को इंजॉय करे, चाहे भावें वह अमीर है चाहे गरीब आ, वह सारिया मूमेंट्स नूं इंजॉय करना चाहिए वा। तो कदे भी फॉल्स प्रेज वाल नहीं जाना चाहिए, कदे भी झूठी प्रशंसा वाल नहीं जाना चाहिए। जिहड़ा सच है तो जिहड़े चीज़ां उहदे रिलेटड सही ने सानूं सिर्फ उन्हां चीज़ां दे विच ही जाना चाहिए वा। कदे भी सानू किसी चीज़ की टेंशन नहीं लैनी चाहिए क्योंकि जेकर असी टेंशन भी लैने तो असी अपने करैक्टर के विचों बाहर जा रहे हैं। तो इस पॉइंट के विच यही दसिया जा रहा भी जेकर तुसी अपने आप नू कि या संतुष्ट रखो, कदे भी परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी जो चीज़ बीत चुकी है उन्होंने भुल जाओ, जिहड़ियां चीज़ां होने वाली ने तुसी उहदे उत्ते वर्क करो, प्रेजेंट दे विच कम करो।
A man who prays to God every hours of the day gets true happiness. जेड़ा बंदा जेड़ा रब नू हमेशा दुआवां जां उहदी प्रार्थना करता रहिंदा वा तां इक चंगी जां असली खुशी नू पा सकदा, क्योंकि सिर्फ रब दी प्रे कर लेना जां उह तों सिर्फ मटीरियल थिंग्स लै लेना ये जरूरी नहीं है। सानू उह तों दया भावना, उहदियां होप्स, साडियां उम्मीदां, सारियां चीज़ां भी उह रब तों मंगणियां चाहीदियां ने भी सानू एक उम्मीद देवे जीवन दी। क्योंकि जेकर किसी बंदे को किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होंगी, भावें उसके को लखा रुपये होन, वो भी यूजलैस ने। जिहड़ा रब आ वो साडा सब तो बड़ा हैल्पर आ, सानू किसी होर दे अग्गे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, रब दे अग्गे हाथ फैलाने चाहिए, क्योंकि रब ही सानू सब कुछ दे सकता वा। लाइफ जिहड़ी आ वो एक अजिही चीज़ हुंदी आ जिहड़ी कि सानू सब चीज़ां नू सिखा दिंदी आ। जेकर तुसीं अपने चंगे चंगे कम्मां नू अपने नाल लैके चलोगे तां उह तुहानू की आ हर कोई याद रखेगा, क्योंकि एक चंगे काम ही साड़ी मौत तो बाद भी जिंदे रहते हैं। तो सानू की है चंगे काम करने चाहिए आ, रब तो डरना चाहिए वा, तो हमेशा ये मन के चलना चाहिए भी रब साडे अंग संग है। तो हमेशा जेकर तुसी अपने आप को उपर चुकना चाहते हो, ये पॉइंट भी दसया जा रहा, लव एक दूसरे नाल प्यार करो, डिसिप्लिन अनुशासन दे विच रहो, सारिया चीज़ां करन दे लई तैयार रहो, कदे भी किसी चीज़ तो जी ना चुराओ, खुशी खुशी सारिया चीज़ां नू महसूस करो। ये सारिया एक तुहानू एक चंगा ते कंप्लीट मैन बना दिंदिया ने। ये सी तुहाडी फस्ट पॉइंट की ट्रांसलेशन। गल करिए क्वेश्चन आंसर की, फस्ट क्वेश्चन इज वट डज दी पोइट्स वॉन्ट टू से इन दी पॉइंट, कहना जिहड़ा पोइट आ उन्हें इस पॉइंट दे विच की कहना चाहुंदा वा। इन दिस पॉइंट दी पोइट्स वॉन्ट टू बी डिस्क्राइब दोज टू दी वर्सेस विच अनेबल टू दी पर्सनस टू लीड अ हैप्पी लाइफ, कहिंदे इस पॉइंट दे विच जिहड़ा पोइट आ उह डिस्क्राइब कर रहा भी किस तरीके नाल एक जिहड़ा बंदा वा उह कि अपनी लाइफ नू वधिया ढंग दे नाल जां खुशनुमा लाइफ नू जी सकदा। ऑनेस्टी, राइटनेस, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, डिवोशन टू गॉड्स आर आ सम रिचुअल्स ऑफ द करैक्टर ऑफ द हैप्पी मैन, कहिंदे ईमानदारी, हमेशा सच्चाई का साथ देना जां सही ढंग नाल काम करना, सेल्फ सैटिस्फैक्शन अपने आप नाल संतुष्ट रहना, रब नू याद रखना, ये कुछ अजिहे तरीके ने जिहदे नाल असीं एक चंगा करैक्टर पा सकते हैं खुशनुमा बंदे का। वी शुड नॉट टू बी अ स्लेव ऑफ योर पैशंस, भी जिहड़े तुहाडियां आपदियां उम्मीदां ने जां इच्छावां ने, सानू कदे वी उहनां दा गुलाम नहीं बनना चाहिए। वी शुड बी अ कंटेंट वट एवर लिटल वी हैव, कहिंदे हमेशा उस चीज़ के खुश रहना चाहिए है, जिहड़ियां चीज़ां तुहानू थोड़ियां जिहियां मिलियां ने उहनू इंजॉय करना चाहिए वा। राइट दिया नोट ऑफ टू दिया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, पोइम का सेंट्रल आइडिया की है, दिया सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम इज़ दैट दी हैप्पी मैन इज़ अ नोबडी स्लेव्स, भी जिहड़ा एक खुशनुमा बंदा हुंदा वा वो किसी का भी गुलाम नहीं हुंदा, ही इज़ अ ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड गॉड फियरिंग, कहते वो की है एक ईमानदार, एक सच्चा ते रब तो डरन वाला बंदा हुंदा है। ही इज़ फियर फ्रॉम टू दी वर्ल्डली ट्रबल्स एंड एनेक्सट्रिटीज़, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰੇ ਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਹੀ ਨੋਸ ਨੋ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮਾਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜੈਲਸ ਆਫ ਨਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿਦ ਵਟ ਐਵਰ ਲਿਟਲ ਹੀ ਹੈਜ਼, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਦੀ ਅ ਪਾਥ ਆਫ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਅ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਹੂਜ਼ ਆਰਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਜ਼ ਓਨੈਸਟ ਥਾਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੇ ਆ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਓਨੈਸਟ, ਓਨੈਸਟੀ ਐਂਡ ਟਰੁੱਥਫੁੱਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਡਿਸੀਵਸ ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸਟੈਲ ਆ ਲਾਈਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਐਨੀ ਆਰਮਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀਅਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੀ ਅ ਮੈਨ ਬਿਕਮਸ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੀ ਅ ਮੈਨ ਅ ਮੈਨ
कैन बिकम्स रियली हैप्पी इफ ही वॉज डिटरमिंड टू हैव नो मैटर्स एंड बिकम्स फ्री फ्रॉम टू दियर पैशंस। कहते भी वो बंदा असल दे विच खुश रह सकता जो अपने आप को डिटरमिन कर लेंदा भी वो की आ ते वो की आ अपने जो इच्छावान ने तो आजाद रहे। ही शुड बी अ ऑनेस्टली ट्रूथफुल सिनरली हार्ड वर्किंग एंड फ्री फ्रॉम टू दियर जेलेसी एंड फीयर्स। कहते वो जो बंदा ईमानदार सच्चाई ते आदर्शवादी ते सख्त मेहनत करने वाला ते अप ते ईरखा तो परे ते डर तो परे वाला हुंदा बंदा वो एक चंगा इंसान बन सकता। ही शुड बी अ बिकेम हिज ऑन मास्टर वो अपना आप ही मास्टर बन सकता। दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। कहते यही एक तरह की खुशी का रहस्य है। हाउ डज टू दिया अ रिलीजियस बुक्स और अ गुड फ्रेंड गिव्स हैप्पीनेस। किस तरीके नाल एक धार्मिक किताब ते एक मित्र सानू खुशियां दे सकदा वा। दे रिलीजियस बुक्स टीच मैनी यूजफुल लैसनस। जिहड़ियां एक धार्मिक ग्रंथ हुंदे आ उह सानू एक बहुत चंगे जिहड़े पाठ आ पढ़ाउंदी आ। दी अ बुक इज टीच टू शन्स ईवल्स एंड फॉलो दी अ पाथ ऑफ दी दिया गुड। कहिंदे उह सानू दसदी आ वी किस तरीके नाल असीं बुराई दा राह छड्ड के चंगियाई दे राह वल जा सकदे हाँ। इट्स कीप अस टू दी ऑन राइट पाथ। वो सानू एक सही रास्ते उत्ते चलाउंदी आ। सेम इज़ अ ट्रू ऑफ दी अ कंपनी ऑफ अ फ्रेंड। कहिंदे इसे तरीके नाल एक चंगे मित्र दी दोस्ती भी सानू इदां ही करदी आ। फ्रॉम टू दी अ कंपनी ऑफ ट्रू मैन ट्रू फ्रेंड्स वी गैट दी अ सेम पीस ऑफ दी अ माइंड एंड हैप्पीनैस दैट वॉज अ रिलीजियस बुक्स गिव अस। कहते इस तरीके नाल एक चंगे इंसान या एक चंगे या सच्चे मित्र की कंपनी भी सानू की आ सेम तरह की की आ शांति दिंदी आ दिमाग नू ते एक सानू खुशी वाल लैके जाती है जिवें कि रिलीजियस बुक सानू दिंदी आ। दस दे गिव अस टू दी हैप्पीनैस ऑफ दी आ प्योरेस्ट काइंड। कहते इस तरीके नाल वो सानू एक सही ते शुद्ध तरह की खुशियां दे सकती है। हाउ डज टू दी आ कंटेंटेड मैन हैज़ नॉट टू बी आ विदाउट हैविंग एनीथिंग। कहते किस तरीके नाल एक जिहड़ा बंदा वा वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता वा। दी कंटेंटेड मैन डिजायर नथिंग मोर दैन वट ही हैज़। कहते भी जिहड़ा कंटेंटेड मंत्री जां एक खुशहाल बंदा हुंदा वो कदे भी ये नहीं चाहुंदा भी उहनूं उहदी लोड़ तो ज़्यादा मिले। ही इज़ नॉट इंपेक्चुअस इंपेक्चुअस। कहते वो कदे भी ज़्यादा नहीं सोचता हैगा। ही इज़ फ्री फ्रॉम टू दी जेलसी और की है ईरखा तो परे रहना। ही इज़ नॉट टू बी अफेयर टू द एनीथिंग। वो किसी चीज़ तो भी नहीं डरता। ही इज़ अ सैल्फ सफिशियंस। वो अपने आप दे विच खुश हुंदा जां अपने अपने आप ही सारा काम कर सकता। सो ही हैज़ बी अ एवरीथिंग। तां करके उहदे कोल सारियां चीज़ां हुंदियां ने। ये सीगी तुहाडी फर्स्ट पॉइंट दे क्वेश्चन आंसर जिहड़े कि इहदे स्ट्रेंजे ने उह असीं नैक्सट वीडियो दे सैकेंड पार्ट दे विच इहदे विच पढ़ांगे। जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी तां मेरी वीडियो नूं जरूर लाइक करो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।